हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों एक बार फिर से रेलवे द्वारा वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यहाँ पे विज्ञापन जारी हो चुका है। आपको बताना चाहता हूँ कि मात्र आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इस बेसिस पे आपको यहाँ पे नियुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों ये सभी पोस्ट यहाँ पे चिकित्सा विशेषज्ञ जो रहते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनके लिए है। साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसीज रहने वाली है। अजमेर मंडल द्वारा ये पूरा रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ है और आप लोगों की जो नियुक्ति है, आप लोगों का जो अपॉइंटमेंट है, 3 महीने के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और इसके लिए एक इंटरव्यू आपका यहाँ पे लिया जाएगा, जिसका शेड्यूल नीचे की तरफ टेबल में आपको प्रोवाइड करा दिया है। देखिए यहाँ पे टेबल में जानकारी पूरी दे दी गई है, अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से आप लोगों को क्वालिफिकेशन रखी गई है और आपका यहाँ पे शेड्यूल भी दे दिया गया है। तो देखिए आप लोगों को जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, एनेस्थेटिस्ट और यहाँ पे सामान्य मेडिसिन वाले, इनके लिए यहाँ पे दो दो वैकेंसी रखी गई है। 53 वर्ष से कम आपकी यहाँ पे उम्र हो और IRMM के अनुसार आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड अनिवार्य मांगा जा रहा है। देखिए और बोला जा रहा है 95,000 तनख्वाह आपको यहाँ पे दी जाएगी और MD आप लोग यहाँ पे होना जरूरी है एनेस्थीसिया में। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। देखिए नर्सिंग यहाँ पे इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, नर्सिंग अधीक्षक की 16 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। 20 से 40 साल यहाँ पे उम्र आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। सीवर लेवल का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। 44,900 रुपये तनख्वाह आपको यहाँ पे दी जाएगी। BSc नर्सिंग और GNM वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को यहाँ पे मीन इसमें यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी रखी गई है, 3 पोस्ट है। 20 से 35 साल वाले कैंडिडेट जो है इसमें यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। C2 लेवल का आप लोगों का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है। 29,200 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलेगी। 12th क्लास मात्र आप लोगों का पास होना अनिवार्य है साइंस सब्जेक्ट से। और 2 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी का तो भी आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी होना आपके पास यहाँ पे अनिवार्य है। तो ये मैंने यहाँ पे 4 पोस्ट आपको बताई है, इनका जो शेड्यूल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ये 4 पोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रखी गई है, तो इनका जो शेड्यूल मैंने बताया है 8 अप्रैल 2020 को 9:30 बजे से 11 बजे तक, इस बीच आपका इंटरव्यू हो जाएगा और मंडल कार्यालय अजमेर में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और नीचे के देखिए 2 पोस्ट हैं जिनका यहाँ पे शेड्यूल अलग यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए इनके लिए अलग से टेबल प्रोवाइड कराई गई है। 9 अप्रैल 2020 को आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू होगा 9:30 बजे से 11 बजे तक, इस बीच आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। मंडल कार्यालय अजमेर में जाके आप लोगों को वहाँ पे उपस्थित होना है। पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जिनका यहाँ पे शेड्यूल ये रहने वाला है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, प्रयोगशाला सहायक 7 पोस्ट रखी गई है। 18 से 33 साल यहाँ पे उम्र यहाँ पे मांगी जा रही है। B1 लेवल का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 21,700 रुपये यहाँ पे पर मंथ तनखा रहेगी। 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है और यहाँ पे देखिए साइंस सब्जेक्ट से हो और डिप्लोमा हो आपका जो मेडिकल लेबोरेटरी का रहता है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पे अस्पताल परिचालक मीज यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की 27 पोस्ट है। 18 से 33 साल यहाँ पे उम्र है मांगी जा रही है और आप लोगों को देखिए B1 लेवल का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे होना चाहिए और 18,000 रुपये तनख्वाह आपको यहाँ पे दी जाएगी। 10th क्लास सॉरी यहाँ पे मात्र 10वीं क्लास आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस आपको हो प्राइवेट क्लिनिक का या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना होगा और देखिए इंटरव्यू के लिए सारे मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, जितनी भी आपकी डिग्री है, जितनी भी आपकी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपकी अंक सूचियाँ रहने वाली है और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लेकर जाएं। अपना पहचान पत्र जो भी रहता है और जो भी फोटोकॉपी का सेट रहता है सारे आप लोग यहाँ पे कैरी करके ले जाएं और आपका जो इंटरव्यू है ले लिया जाएगा। जो भी आपका शेड्यूल रहने वाला है 8 अप्रैल का है तो आप लोग 8 अप्रैल वाले शेड्यूल में शामिल हो, अगर 9 अप्रैल वाला है तो आप लोग 9 अप्रैल वाले शेड्यूल में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज की लिंक आपको मिल जाएगी PDF के फॉर्म में। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर भी इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया है, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं और चाहते हैं कोई भी भर्ती आपसे यहाँ पे ना छूटे। हर एक दिन हम आपको यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकारी भर्ती की जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, आगे जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है आप लोग इसी तरीके से आगे भी इन्फॉर्मेशन पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।